अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर थे, बड़े बड़े लोग वहां पर आए थे। और आज सुबह मैं मिला वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से, जो लंबे समय से वैसे तो ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन अयोध्या आए थे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। और आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद पहली सुबह कैसी थी, यही जानने के लिए आज सुबह मैंने उनसे बात की। और अब आप ये बातचीत देखिए अनिल अग्रवाल के साथ। मेरे साथ हैं श्री अनिल अग्रवाल, जिन्हें आप मेटल किंग के नाम से भी जानते हैं, इंडियन बिलियनर और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन। और कल इन्होंने भी राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, ये वहां मौजूद थे। और हम अनिल जी से पूछते हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं जो है उस समय क्या थी। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू वेरी मच। आप तो हम देखते रहते हैं लंदन में, वही हमारा एक जो शाम का रात का जो कार्यक्रम रहता है, क्योंकि जैसे भजन की धुन लगती है वैसे आप धुन लगा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू सो मच, बेस्ट। थैंक यू। कल आपका अनुभव कैसा रहा उस कार्यक्रम में, जब आपने भगवान श्री राम की इस भव्य मंदिर में वापसी देखी, क्या एकदम आपकी ट्रू फीलिंग्स में आपके आपके दिल की जो बात है? ये मैं अयोध्या पहले भी आया हूँ और मैंने हरदम चारों तरफ मिलिट्रिया और बारबेड वायर, यही हमने देखा। सरयू नदी में नहाए, दशरथ जी के महल में गए, हनुमानगढ़ी में गए, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर था। आज वो खुल गया था, भव्य मंदिर बना। लोगों की सबसे बड़ी बात जो आस्था जुड़ी है, लोग ये मंदिर की बात नहीं है, ये बात है कि एक स्वाभिमान जो 700 साल से हम लोगों का दबा हुआ था कि हर को एक हैंडल चाहिए, और राम कोई किसी हिंदू के, और ये राम शब्द ही एक शांति का शब्द है। राम शब्द एक हैंडल है, उस राम शब्द के सहारे आप एक आस्था है, एक ऊर्जा है, जो बताया हमारे प्रधानमंत्री ने जो बताया, काम तो सभी कर रहे हैं, उस काम में जोश आना, उस काम में एक लय लगनी, उसमें एक प्रेम जागना, वो मैंने देखा ये मंदिर से हुआ है। जो हमारे 130 करोड़ लोग हैं, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, किसी भी जात का था, सिख था, चारों तरफ जो भावनाएं एक जो थी, मेरे को लगता है हिंदुस्तान का एक लीडर चाहिए था। हर जगह आप देखेंगे लीडर ही लीड करता है, एक लीडर खड़ा होता है उसके पीछे लोग जाते हैं। तो एक आदमी, एक भावना हुई है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, उनको वो खुद ही साधु साधु व्यक्तित्व है, और जो भी उनको काम करना है, जैसे रामचंद्र जी ने काम किया उस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक आस बंधी है कि हिंदुस्तान भी प्रगतिशील देश बनेगा। सोने की चिड़िया थे हम, वो बनेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली सुबह है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस पहली सुबह में आप क्या अंतर देखते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि आज से एक नए युग की शुरुआत होगी? कल सुबह में और आज की सुबह में कोई क्या अंतर देख रहे हैं आप? कल की सुबह में तो वीआईपी सिंड्रोम था, तो उसमें कोशिश करते थे कि भगवान पर आस्था लगाए, लेकिन तब तक कोई ना कोई और कोई वीवीआईपी दिख जाता था, कोई बॉलीवुड दिख जाता था, तो मन भटक जाता था। आज मन पूरा शांत है, सुबह नींद भी खुली तो लगा कि अयोध्या में आए हैं। नगरी हो अयोध्या सी, नो घराना हो दशरथ का, राघव के चरण मिले, ऐसा भाव सुबह पहले आया तो अच्छा लग रहा था कि अब कुछ अच्छा करेंगे। ये मन में सबसे बड़ा भाव आया कि पैसे वाला होके नहीं मरना है, मरना है तो कुछ लोगों के लिए करके, लोगों की आस्था के साथ जुड़ के, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ के, ये भाव जरूर आया आज। जी, कल मैंने देखा, मैं भी वहां मौजूद था, और बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, आंखों में से टप टप आंसू, मैं भी रो रहा था। तो उस वक्त क्या क्या भावनाएं थी आपकी? आप भी रो रहे थे? हाँ, जो लोगों ने, जो तीन चार जो हमारे प्रधानमंत्री जी
और जो वहां के जो ट्रस्टी थे उन्होंने जो एक एक बात बताई कि किसी तरह भी पिलर नहीं जा रहा था क्योंकि वह बालू थी, बालू के अंदर जा नहीं रहा था, और उसके बाद कैसे हजारों लोगों की जाने गई हैं, जो जाने गई हैं उसकी सबसे बड़ी हम श्रद्धांजलि तो उनको देते हैं जिन्होंने अपनी जाने दी हैं इस मंदिर के लिए, उसके उनके समाधियों पर हम खड़े हैं, उनको तो याद करना, उनको नमन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। हम तो दूर बैठे थे, तो वो जो अब बातें जो सुनने को मिली किस किस तरह कठिनाइयों से ये मंदिर गुजरा है, और हम लोग तो कभी भी मंदिर बना सकते थे 700 साल में, हमारी जो हम लोग जानते ही नहीं है, नॉन वायलेंस है ही नहीं, हमारे गांधी जी ने बताया, लोग हमारे राम जी ने बताया एक पिता के कहने से वो वनवास चले गए। तो ये अलग ही देश है, ये अलग ही चीज है, ये दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को संस्कार देगा, बहू को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, हम घर से निकलते हैं पिता माँ के चरण छू के निकलते हैं, ये सब बातें हमारे हिंदुस्तान में अयोध्या में आती है। आप ये कह सकते हैं कि कल जब आपने भगवान श्री राम का की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी वो आपके जीवन का सबसे भावुक क्षण था, जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जरूर था, क्योंकि आज आप देखिए ना, बचपन से तो सुनते यही आ रहे हैं, मैं तो हम बिहार में रहने वाला हूँ, हमारे बॉर्डर है, पड़ता है, मैं यहाँ आता था और हम धर्मशाला में ठहरते थे, गलियों में घूमते थे, इतने शांति प्रिय लोग थे, चारों तरफ मिलिट्रियां दिखती थी, और ये तो बहुत ही भावुक क्षण था मेरे लिए। आप तौर पर इतने भावुक होते हैं या कल ही ज्यादा हो रहे थे? ये मैं नहीं कह सकता, या मैं कोई तुलना नहीं कर सकता, भावुक तो मैं अपनी मेरी ग्रैंड डॉटर है उसको देख के भी हो जाता हूँ, भावुक तो मैं अपने को भी, हमारे साथ कोई काम करता है, मैं दिल से बड़ा भावुक आदमी हूँ, भावुक तो मैं हो जाता हूँ। कल एक श्रद्धा आस्था एक जो प्रण आया कि अपने लिए नहीं कुछ करना है, राम जी ने जो बताया उसके लिए करना है, लोगों को साथ लेके चलना। राम जी आप बताइए, उन्होंने राजा थे छत्रपति, उन्होंने बंदरों का साथ लिया। विश्वास हो रहा था आपको अपनी आंखों पर कि आप इसी जीवन काल में आप ये सब होते हुए देखेंगे और आप खुद भी वहां मौजूद रहेंगे? ये मेरे को कभी ये नहीं था कि मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लोग कमेटी ने उनको बुलाया और मैं लंदन से आया और भावुक होके आया था, और इस तरह का इतना व्यवस्थित कार्यक्रम कोई कर सकता है हिंदुस्तान में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यूपी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारे कर्मचारियों का, पुलिस वालों का, जो कितने दिन से सोए नहीं होंगे, और इतना अच्छा इंतजाम किया। और आप एक बार मैं आपको एक ही बोल सकता हूँ, जितने हमारे NRI लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं कहीं के भी हों, किसी भी धर्म के हों, एक बार अयोध्या जरूर आइए। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सरयू नदी में एक बार गोता जरूर लगाइए, आपको आनंद नहीं आए आप मेरे को याद करेंगे। थैंक यू सो मच अनिल जी, जय श्री राम, जय श्री राम।